Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember which chapter is going on? Chapter number 11, right? And the name is Area and its Boundary. So, in the last video, we have completed this sum. Means A, B and C blanks we have completed. And today we are going to start from D. So, देखो, यहाँ पे आपको कुछ stems दिए थे. तो उसमें आपको ये 2x2 का एक स्टेम्प था, राइट? मतलब कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसमें कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं? 4, 1, 2, 3, 4. 4 बाय सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स आएंगे वो आपको फाइंड करना है. और जैसे यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, उसकी लेंथ. लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर. वो हमने कर लिया था फाइंड. नाउ लेट्स सी व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विथ. तो उसकी जो विथ है उसकी बात हो रही है कि इसकी जो विथ है उसमें कितने स्टेम्स आएंगे. ओके, तो देखो टोटल विथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर. और इसमें ये कितनी प्लेस रोकता है, 2 सेंटीमीटर. तो इजीली हम बता सकते हैं कि कैसे होगा. जैसे कि 8 है, 2 के उसको डिवाइड करना है, मतलब 4 स्टेम्स आ सकते हैं, राइट? और अगर आपको और दूसरे तरीके से फाइंड करना है तो आप स्केल से कर सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्केल रखी है, राइट? ये 2 सेंटीमीटर का एक स्टेम्प है, फिर 1 एंड 2, 4 पे दूसरा स्टेम्प आएगा. नाउ 5 एंड 6, तो 6 पे एक दूसरा आएगा. एंड 7 एंड 8, 8 पे एक दूसरा आएगा. तो उसकी जो विथ है वहां पे हम कितने स्टेम्स रख सकते हैं, देखो 1, 2, 3, 4. हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड, 1, 2, 3 एंड 4, राइट? तो आप यहाँ पे जो पीछे ब्लैंक्स है उसमें यहाँ की जो डी ब्लैंक है उसमें आप क्या लिखेंगे, 4 स्टेम्स. हाउ मेनी स्टेम्स, 4 स्टेम्स. अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू राइट. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल. अब जो ये रेक्टेंगल है उसको आपको पूरा को कवर करना है, तो उसमें कितने स्टेम्स हम रख सकते हैं. आई बात समझ में? तो जैसे ये है पूरा, आपको ये देखना है कि कितने स्टेम्स हम टोटल रख सकते हैं. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था. इस साइड जो है वो कितने स्टेम्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इस साइड 7 स्टेम्स आएंगे, राइट? आपको पता है ना 7 स्टेम्स आएंगे. तो ये हो गया 7 और ये हो गया, इस साइड कितना होगा, 4 स्टेम्स, राइट? तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 7 बाई 4. ये जो है वो कैसे बनेगा, 7 बाई 4, तो 7 फोर 28 स्टेम्स, राइट? कितने स्टेम्स आ सकते हैं, 28 स्टेम्स आ सकते हैं. अगर आपको ड्रॉ करके भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो. सी, मैं आपको फटाफट इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि एक साइड 7 आएंगे, फिर दूसरी साइड मींस ऐसे विथ में 4 होंगे, राइट? तो अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट भी कर सकते हो. सी दिस वे, मैंने ये सारे स्टेम्स को ड्रॉ कर लिया. अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 मींस 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28. तो टोटल 28 स्टेम्स आ गए. और हमको ये ड्रॉ करके ही पता चल गया कि 28 स्टेम्स आते हैं. और कैसे पता चला कि एक का 2 सेंटीमीटर का है और उसकी पूरी विथ है वो 8 है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? तो ऐसे 4 बॉक्सेस बनेंगे. यहाँ पे 14 का है तो उसका आधा बन जाएगा, तो 7 स्टेम बन जाएंगे. यहाँ पे 8 है तो उसका आधा क्या होता है, 4, तो ये 4 बन जाएगा. तो उस तरीके से यहाँ पे हम कितने स्टेम्स को कवर कर सकते हैं. हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, 28 स्टेम्स आर नीडेड. हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड, 28 स्टेम्स. ओके, तो आपको ये भी कर लेना है. नाउ नेक्स्ट, हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस. अब हमने अर्लियर गैस किया था, वो आपने क्या किया था, तो कितने हो सकता है. वट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये ओनली गैस है, राइट? हमने सिर्फ ऐसा गैस किया था कि इतना हो सकता है, राइट? तो पहले मुझे क्या लगा था, तो आपने भी कुछ गैस किया होगा, तो वो आपका गैस राइट है कि रॉन्ग है वो सोचना है कि कितने स्टेम्स आएंगे. तो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, राइट? नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. आपको यहाँ पे बुक में जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, ये उसका एरिया फाइंड करना है.
तो आपको पता है ना, हमने इसके पहले एक चैप्टर किया था, उसमें उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने का था। तो एरिया फाइंड करते हैं तो क्या होता है, लेंथ एंड विथ का मल्टीप्लीकेशन, राइट। लेंथ और विथ का मल्टीप्लीकेशन कर लो, एरिया मिल जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 14 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा, 14 एट जार 112। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 112। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट हियर, 112। और 112 कैसे आया, लेंथ उसकी 14 सेंटीमीटर है और ब्रिथ जो है उसकी 8 सेंटीमीटर है। सो 14 एट जार 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स सभी साइड का टोटल। अब देखो यहाँ पे अगर 14 है तो इसकी सामने भी 14 ही होगी ना, तो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अगर इस साइड 8 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी कितने सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ऐसा होता है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, राइट। सभी लेंथ का जो साइड होती है ना उसका सम, अंडरस्टैंड। तो आपको उस तरीके से करना है जैसे 14 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 8, तो आप चारों का टोटल करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा वो आपको देखना है। सो लेट्स सी, लेट्स डू टोटल। तो 14 14 टू टाइम्स था, तो हम क्या करेंगे, 14 प्लस 14 और 8 प्लस 8। तो 14 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 44 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, सेम जैसे रेक्टेंगल था उसके अंदर हमको स्क्वायर करने थे, तो ये वही है, एक रेक्टेंगल है उसके अंदर कुछ साइज के स्क्वायर्स करने हैं, बट यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, मेथड तो सेम है। ओके सी, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अब अरबाज है, उसने क्या सोचा, उसके किचन की जो फ्लोर थी ना उसके अंदर टाइल्स को अरेंज करना है, राइट। तो ये एक फ्लोर है, उसके अंदर टाइल्स होती है, वो सभी टाइल्स होती है वो सेम शेप की होती है ना, उसकी साइज जो है वो चेंज नहीं होती। सो ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर। तो जैसे उसमें क्या था, स्टैंप था 2 का, तो ये कितने कितने की है, 10 10 की, राइट, 10 10 सेंटीमीटर की। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। सो दिस विल बी द लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी, 220 सेंटीमीटर, और वाइड जो है वो 180 सेंटीमीटर। जैसे आप इसको वो रेक्टेंगल के साथ कंपेयर करो स्टेम्स का, उसमें कितना था, 14 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना है, 220 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, तो इसको कितनी टाइल्स लगेगी, तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स फाइन करना है। ओके तो इसको आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स फाइन कैसे करेंगे, तो देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हमको टाइल्स जो है वो ऐसे फ्लोर पे अरेंज करना होता है ना, फ्लोर पे रखना है। फ्लोर मतलब उसका एरिया, ये तो उसकी साइड होती है, लेकिन ये उसका जो ये बॉय जो बैठा है ना उसके उसके अंदर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एरिया, ये उसका एरिया है। तो हमको वही तो फाइंड करना है कि एरिया में कितनी टाइल्स आएगी। तो सबसे पहले आपको एरिया ही नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, राइट। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको उसका एरिया मिलेगा। अब आपको ये जो है उसका भी तो एरिया पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये टाइल का एरिया है वो उस एरिया में हमको रखना है। टाइल 10 सेंटीमीटर है तो एक 10 सेंटीमीटर की, क्या एक ही साइड 10 सेंटीमीटर है, नहीं, इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है और इस साइड भी 10 है, सब साइड 10 है, मतलब उसका पूरा एरिया है, राइट। तो हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है, फिर हमें इस पूरे एरिया को टाइल के एरिया से ऐसे क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको पूरा इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद आपको टाइल का एरिया फाइंड करना है, फिर आप क्या करोगे, टाइल्स का एरिया मिल गया, रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, फिर आप इन दोनों का डिवीजन करोगे, राइट, डिवाइड करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि कितनी टाइल्स आपको चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको हम नोटबुक में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप तो हेडिंग देना है, क्या देना है, प्रैक्टिस टाइम,
राइट, प्रैक्टिस टाइम लिखो। फिर पेज नंबर कौन सा है 148, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट 148। एंड सम नंबर के कौन सा है ए, तो हम ए लिखेंगे। अब देखो आपको क्या बोला गया है, मैंने आपको क्या बोला कि आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर, अंडरस्टैंड, तो लेंथ और उसकी विथ, लेंथ और विथ दी हुई है, तो जो दिया है ना पहले मैं लिखूंगी, लेंथ इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर एंड विथ, विथ इज इक्वल टू, विथ कितनी दी है 180 सेंटीमीटर, राइट, ये आपको दिया हुआ है लेंथ एंड विथ। अब हमें फ्लोर का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, दैट इज दी फॉर्मूला। अब लेंथ कितनी है 220 सेंटीमीटर और विथ कितनी है 180 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 220 एंड 180 का मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे करेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 180। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, एक बात सोचो कि पहले जीरो जीरो है ना, हम उसको अभी नहीं ले रहे, राइट, जब जीरो जीरो है तो हम लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 8 2 16 कैरी ओवर 1, 8 2 16 प्लस 1 17, अब ये 1 नहीं है 10 है, तो हम पहले 0 लिख देंगे, 0 देन 1 2 2 एंड 1 2 2, नाउ 6 7 8 9 एंड 3 396। तो ये जो आया वो विदाउट जीरो आया ना 396, लेकिन ये दो जीरोस बच गए थे उसको हम ऐड कर देंगे, टू जीरोस थे तो हमने टू जीरोस ऐड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आया 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे, जब भी हम एरिया फाइंड करें ना तो एरिया के बाद आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना पड़ता है, राइट, दैट इज कंपल्सरी, तो ही वो एरिया काउंट किया जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, राइट। नाउ ये तो फ्लोर का एरिया आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, टाइल, क्योंकि फ्लोर के एरिया में हमको टाइल का एरिया फिक्स करना है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल्स, राइट, एरिया ऑफ टाइल्स जो है वो आपको पता है कि वो कौन सा शेप है, स्क्वायर, तो दोनों साइड 10 10 होगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट, तो ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसकी चारों साइड 10 है तो 10 10 आर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, आई बात समझ में, तो हमने फ्लोर का एरिया फाइंड कर लिया, हमने टाइल्स का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें ढूंढना क्या है, हमको उसका क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टाइल्स, अब कितनी टाइल्स जो है वो इसमें फिक्स होगी, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स का मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर उससे डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ टाइल्स है, समझ में आया, क्योंकि हमको फ्लोर के अंदर टाइल को फिक्स करना, नाउ फ्लोर का एरिया है वो 39,600 आया था, टाइल्स का जो एरिया है वो 100 आया। अब मैंने आपको बोला था देखो लास्ट में 00 कट, यहां पर 00 कट, तो नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 है। अब देखो 396 टाइल्स, ओके, हाउ मेनी टाइल्स, 396 टाइल्स आर नीडेड, तो आपको इस टाइप के सम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, देखो द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, मीन्स सोचो कि ये एक गार्डन है
वो स्क्वायर है, उसकी सभी जो लंबाई है ना वो 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, सबका आप टोटल करो ना तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, राइट। पेरीमीटर आपको उसका कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो टोटल दिया हुआ है और कितनी साइड्स का टोटल दिया हुआ है, 4 साइड्स का, राइट। आपको पता है कि ये जो है वो 4 साइड का टोटल दिया है। आपको अगर एक का फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ज्यादा का दिया है ना, चारों का दिया है, हमको एक का ढूंढना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। अगर एक का दिया होता और ज्यादा का ढूंढना होता तो हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे देखो चारों का टोटल दिया हुआ है, हमें एक का फाइंड करना है और एक मतलब आपको उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, बी में आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, राइट। बिकॉज आपको पेरीमीटर ही दिया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट, क्योंकि हमको दिया हुआ है एन नंबर ऑफ साइड। इज इक्वल टू 4, साइड्स कितनी होती है, 4। तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ वन साइड, राइट। क्या हमें फाइंड करना है, देखो हाउ लॉन्ग इज वन साइड, तो हम अब फाइंड करेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ वन साइड। इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 4। अब 20 के टेबल, 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 5 20, अंडरस्टैंड, 4 5 20, तो 5 मीटर क्या आएगा, 5 मीटर, एक होगा वो कितना होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि 4 का टेबल आपको 20 तक बोलना है और दोनों में से बिग नंबर कौन सा है, 4 इज बिगर और 20 इज बिगर, 20 इज बिगर। तो जो नंबर बिग होता है ना उसके ऊपर हम आंसर लिखते हैं, किया तो हमने डिविजन ही है, 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा, राइट। और आपको टेबल आता ही है 4 का, इजीएस्ट टेबल है। तो अभी आपको समझ में आया लेंथ ऑफ वन साइड कितनी होगी, 5 मीटर। अब यहाँ पे और एक सम दिया हुआ है, नेक्स्ट, अ थीन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। अब एक वायर है उसको भी हमने ऐसे रेक्टेंगल बना दिया है, ओके, और वो भी 20 सेंटीमीटर है, उसका मतलब कि ये पूरा जब चारों साइड हो जाएंगी ना तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ओके। इफ द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, अब विथ जो है ना वो आपको पता है कि 4 4 सेंटीमीटर उसकी विथ है, हमको भी उसकी लेंथ नहीं पता है तो हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है, समझ रहे हो। एक वायर था तो हमने उसको रेक्टेंगल फॉर्म किया, ऐसे उसको रेक्टेंगल में फॉर्म कर दिया, और जब भी हमने पता चला कि वो टोटल जो है सभी साइड का वो 20 सेंटीमीटर है, फिर आपको बोला गया है कि उसकी जो विथ है ना वो दोनों साइड 4 4 है, ओके, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, उसकी लेंथ फाइंड करनी होगी। तो कैसे करेंगे हम, इसका ये मतलब है कि रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, राइट, उसमें से आपको ये दो साइड भी दी है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पता है, चारों साइड का टोटल ही तो होता है ना, तो 20 है उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, ये 4 गया तो कितना आ गया, 16, अब वापस ये 4 गया तो कितना आ जाएगा, 12। तो अब ये दोनों साइड का है ना वो 12 ही है, कितना बचेगा, 12 ही बचा ना, तो 12 है वो दोनों साइड में का टोटल होगा, तो दोनों साइड का जो टोटल 12 है तो एक साइड कितनी होगी, 6 6 की होगी कि नहीं होगी, देखो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होती है तो 12 का वो डिविजन ही हो गया। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो पहले मैंने आपको इसका सब्ट्रैक्शन दो बार करवाया कि टोटल टोटल है उसमें से हमने 4 माइनस कर दिया, उसके बाद हमने वापस 4 कर दिया। अब तो पता है ना, अभी हम जब सम करेंगे ना तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली हम 8 कर देंगे, ओके। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर
ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो हमको दिया हुआ है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर हमको दिया हुआ है 20। फिर क्या दिया हुआ है, विथ ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट, तो हम वो भी लिखेंगे विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आपको वैसे उसका जनरल तो पता चल गया कि हमें करना तो माइनस ही है, क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ये आपको पता है, इसका जो फॉर्मूला है वो वही है ना, बट हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, टोटल हमको दिया हुआ है, आंसर हमको दिया हुआ है, अब 2 जो है एल हमको नहीं दिया हुआ है, एल हमको दिया नहीं है, फिर बी जो है हमको दिया है 4, राइट, और 20 भी हमको दिया हुआ है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब जो है वो हम क्या करेंगे, देखो अब 2 लेंथ हमको दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये हम करते थे ना कि ब्रैकेट के बाहर है और इसका दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस, अब 2 है ना वो 4 से मल्टीप्लाई करने जाएगा, 2 4 8 इज इक्वल टू 20, राइट, तो अभी हम कैसे करेंगे, ये तो लेंथ है ये तो 8 है, अब करना क्या था, मैंने आपको बोला था 20 में से क्या माइनस करना था, 8 माइनस करना था, है ना, 20 में से हम 8 माइनस करेंगे, तो इस साइड जो है वो 2 लेंथ बच गया, और 20 है तो ये 8 माइनस हो जाएगा इसके बाजू में, तो आपको ये याद रखना है कि इस साइड जो 8 प्लस था ना वो इक्वल टू के उस साइड चला गया, तो ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो उल्टी साइड चला गया तो माइनस हो गया। अब 2 लेंथ तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। अब हमको लेंथ फाइंड करनी है ना, लेकिन ये लेंथ के साथ 2 तो आ ही रहा है साथ साथ में, तो ये लेंथ है ये उसको धक्का मार देगा, तो ये 2 को धक्का मार देगा तो वो नीचे 12 के नीचे चला जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 12 के नीचे हो जाएगा डिवीजन में, 12 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड नाउ, समझ में आया आपको, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, और जैसे मैंने पहले बताया कि टोटल कर लो, उसमें से माइनस करके 12 का डिवाइड कर लो तो भी आपको लेंथ मिल जाएगी, बट ये उसकी जो मेथड है फॉर्मूला के साथ वो आपको आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आप जो भी दिया हुआ है नंबर्स वो लिख लो, फिर मल्टीप्लीकेशन करो, 2 मल्टीप्लाई बाय एल, सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, फिर प्लस का हमने प्लस लिखा, फिर 2 है वो 4 से मिलने जाएगा, सो 2 4 8 हो गया, फिर इक्वल टू का इक्वल टू, अब इसका एडिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये साथ में नंबर्स तो है नहीं, यहाँ पे नंबर है, तो 8 को मैंने इक्वल टू के उस साइड ले लिया, तो यहाँ पे वो प्लस में था ना, बट हमको तो माइनस करना था, तो मैंने 20 में से 8 माइनस कर दिया तो 12 बच गया। अब हमको तो लेंथ फाइंड करनी थी, लेकिन ये 2 है ना वो बीच में आ रहा था, ये मल्टीप्लीकेशन में ही था, तो उसने क्या किया, 2 को ऐसे धक्का मार दिया तो वो 12 के नीचे चला गया, तो डिवीजन में हो गया। ओके, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। नाउ सी दिस सम D1, व्हाट इज रिटन इन दिस, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरिमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर कैरम बोर्ड, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका पेरिमीटर मीन्स उसके चारों साइड का टोटल आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि उसकी एक साइड का मेजरमेंट कितना है, वो पता है कि अगर आप चारों का मेजरमेंट करो ना तो 320 सेंटीमीटर आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले उसकी एक साइड का भी तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, चारों का टोटल पता है लेकिन एक का नहीं पता, तो आपको याद है हमने अभी आगे ही सम में किया था कैसे करना था, और उसके बाद एक साइड का मेजरमेंट हमको फाइंड करके क्या फाइंड करना है पता है, हाउ मच इज इट्स एरिया, उसका एरिया कितना है हमें वो फाइंड करना है, अंडरस्टैंड, तो इसको भी हम नोटबुक में करने वाले हैं। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर मीन्स चारों साइड सेम होती है, रेक्टेंगल की तरह नहीं होती, रेक्टेंगल में क्या होता है
अपोजिट टू साइड सेम होती है ना, स्क्वायर में क्या होता है सभी साइड इक्वल होती है। तो इसको आपको नोटबुक में किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले तो आप ये सम का जो है नंबर लिखेंगे राइट, और क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ कैरम बोर्ड जो कि आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ कैरम बोर्ड राइट इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4 का आपको दिया हुआ है ना, देखो 4 साइड्स का 320, तो 1 का फाइंड करना है, देखो 4 का दिया है 1 का फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा डिवीजन। सो लेंथ ऑफ वन साइड, अंडरस्टैंड, हम एक साइड की लेंथ ढूंढेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। अब आपको इन दोनों का डिवीजन करना है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे 0 है ना, अभी उसको काउंट मत करो। 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 4 8 32 राइट, और एक 0 यहाँ पे ऐड कर दो। मींस अगर आप 320 में से 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 80। तो एक साइड का टोटल कितना होगा 80 सेंटीमीटर राइट। मानो कि ये एक स्क्वायर है, कैरम बोर्ड है राइट, नाउ हियर 80 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 80 सेंटीमीटर हियर ऑल्सो एंड इट विल बी 80 सेंटीमीटर हियर एंड 80 सेंटीमीटर हियर राइट। चारों साइड का टोटल जो है उसका 80 सेंटीमीटर आने वाला है, आई बात समझ में। तो 8 4 32 मीन्स हमको मिल गया। अभी हमको क्या फाइंड करना है एरिया, नाउ एरिया ऑफ अ कैरम बोर्ड राइट, एरिया जो है वो क्या होगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्म्यूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सो 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डू दिस, 8 8 जर 64 राइट, 8 8 जर 64 होता है और 2 जीरोस ऐड, तो व्हाट विल बी द एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर यही आएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम, देखो नेक्स्ट सम में क्या करना है आपको, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द व्हाइट डिजाइन। तो यहाँ पे व्हाइट डिजाइन आप देख रहे हो ना, उसमें आपको फाइंड करना है कि कितनी टाइल्स हम रख सकते हैं। सी दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये एक ट्राइंगल है ना वो 1 सेंटीमीटर का हाफ है, आई बात समझ में, ये जो ट्राइंगल है वो 1 सेंटीमीटर का हाफ है, बट ये जो है वो एक फुल है, ये पूरा एक 1/1 का है और ये सभी हाफ हाफ के हैं, हाफ सेंटीमीटर के हैं, आई बात समझ में। सो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपको ना ये डिजाइन का एरिया फाइंड करना है ओके। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता ही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर हाफ कितने दिए हुए है 1 2 3 4, 4 हाफ हाफ है और एक जो है वो फुल है, तो हमें तो सिर्फ ये डिजाइन का ही एरिया फाइंड करना है ना, तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको इसको नोटबुक में करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको जो बुक में दिया हुआ है ना वही मैं लिख रही हूँ, आप भी देखो कि इसको कैसे लिखना है। सी द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर राइट। जो ट्राइंगल है वो आपको पता ही है कि हाफ ऑफ साइड स्क्वायर है राइट, और अभी हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ
डिजाइन, डिजाइन का जो एरिया है ना हमको वो फाइंड करना है। तो डिजाइन में एक फुल है और चार हाफ हाफ है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर, अंडरस्टैंड, एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर, और प्लस करके क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। समझ में आया, एक का एरिया जो फुल स्क्वायर है उसका एरिया, और हाफ हाफ स्क्वायर है उसका एरिया, उसका प्लस करेंगे तो ही हमें डिजाइन का एरिया मिलेगा। तो एक ही है तो उसका तो एक ही होगा क्योंकि वन है, वन वन बाय वन मीन्स वन, प्लस कितना करेंगे, हाफ का एरिया कितना, देखो हाफ एंड हाफ वन एंड हाफ एंड हाफ वन, तो ये कितना हो जाएगा टू। ओके, क्योंकि हाफ 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 कितनी बार है, फोर बार, फोर टाइम्स, तो इसको हम कितना लिखेंगे, थ्री, थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये जो है वो थ्री स्क्वायर हो गया ना, देखो ये वन ये टू ये थ्री, टोटल तो थ्री हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टाइल, एरिया ऑफ ट्राइंगल टाइल्स। ओके, तो इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, क्योंकि हाफ स्क्वायर है वही तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वही ये, इसका ही, इसका भी तो एरिया है क्योंकि इसमें हमको ये फिक्स करना है, राइट, ये तो डिजाइन है लेकिन डिजाइन में हमको ये टाइल जो है वो फिक्स करनी है, तो एरिया स्क्वायर जो हाफ का है वही टाइल का एरिया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। अब ये तो एक टाइल का एरिया आया, राइट, अभी हमको क्या करना है कि इसमें कितनी टाइल्स चाहिए वो फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन, जैसे मैंने पहले बोला था जो पहले स्पेस होती है वो, और टाइल का जो एरिया होता है वो, एरिया ऑफ डिजाइन, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। वन टाइल और ट्राइंगुलर ट्राइल, दिस वे। अब डिजाइन का एरिया कितना आया था, थ्री, और एरिया ऑफ ट्राइंगुलर टाइल उसका एरिया कितना आया, वन अपॉन टू। तो समझो कि ऐसे फ्रैक्शन होता है तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ये है ना डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो इसको हम कैसे करते हैं पता है, जो ये इस डिवीजन में है तो ये तो डिवीजन के भी डिवीजन में है, तो ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं, सो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, टू इसको ऊपर भेज देगा, तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स। आई बात समझ में, सिक्स टाइल्स, कितनी टाइल्स चाहिए होगी, सिक्स टाइल्स। तो आज हमने जितना भी किया है आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। थैंक यू।